हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है और कटहल भी मार्केट में आने शुरू हो चुके हैं। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे कटहल की सब्ज़ी, एकदम चटपटी, मसालेदार और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कटहल की सब्ज़ी को बनाना। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 किलो कटहल ले लिया है और इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे हमने थोड़ी देर के लिए लेमन के वाटर में डाल दिया था ताकि ये ब्लैक ना हो। उसके बाद हमने एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच हमने सरसों का तेल ले लेना है और तेल को हमने अच्छे से गर्म होने देना है। और तेल गर्म होने के बाद हमने इसको कटहल को इसमें डाल देना है। इसको हमने सेलो फ्राई करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे सेलो फ्राई करना है। इसे ऐसे हिलाते रहना है आपने। इसको हमने पूरा तरीके से नहीं पकाना है, इस तरीके से आपने इसे पलटते रहना है। ये देखिए, और जब ये अच्छे से तेल में मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे इसमें और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे उसके बाद। ये देखिए, इस तरीके से। उसके बाद हमने इसे 2-3 मिनट तक ऐसे ही सेलो फ्राई करना है जब तक इसमें हल्का सा कलर नहीं आ जाता और ये 22-25% हल्का सा पक भी जाएगा। तो ये देखिए, ये अच्छे से हमारा सेलो फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे पूरा जो कटहल है हमारा। ये देखिए, इस तरीके से आपने पूरा कटहल निकाल लेना है। फिर आपने उसी कढ़ाई में इस 1 से 2 टेबलस्पून आपने ऑयल लेना है और ऑयल गर्म होने के बाद आपने इसमें 2 लाल मिर्च तोड़ के डाल देनी है। अगर आपकी लाल मिर्च तीखी है तो आप 1 ही लाल मिर्च डालिए। उसके बाद 1/2 चम्मच इसमें आप जीरा डाल दीजिए और जीरा जब तड़क जाए तब आप इसमें साबुत धनिया जो होता है हमारा उसे कूट के डाल दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से। और जब ये अच्छे से भुन जाए तब आप इसमें चॉप करे हुए प्याज डाल दीजिए। यहाँ पर हमने 2 प्याज चॉप कर लिए थे, फाइन चॉप कर लिए थे। अब इनको हमने प्याज को तब तक पकाना है जब तक ये हल्के से गोल्डन ब्राउन नहीं जाते, तब तक हमने इसे अच्छे से भुनना है। तो ये देखिए, जो हमारे प्याज है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये हमारा फ्रेश पेस्ट है, ये हमने घर पर ही कूटा है तो इसका अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी में। इसको भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए प्याज के साथ भुनना है अच्छे से ताकि जो इसका कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद हम इसमें 1 टमाटर काट लिया था हमने। टमाटर को आपने ज़्यादा बारीक नहीं काटना है और उसके ऊपर से आपने नमक डाल देना है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए क्योंकि नमक हमने पहले कटहल में भी डाला हुआ है। और उसके बाद हम जो हमारे टमाटर है उसको अच्छे से पका लेंगे और टमाटर पकने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हम 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे। जीरा पाउडर हमने यहाँ पर भून के डाल रखा है, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है फ्रेंड्स इस पर। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं और इसको भी हम मसालों के साथ पका लेंगे अच्छे से। इसे आपने 3 से 4 मिनट के लिए मसालों को अच्छे से पका लेना है। जब तक जो हमारे मसाले अच्छे से तेल नहीं छोड़ दे तब तक आपने इसे पकाना है। तो ये देखिए, हमारे मसालों ने हल्का हल्का तेल छोड़ दिया है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें जो हमारे कटहल हमने सेलो फ्राई करके रखे थे वो कटहल हम इसमें डाल देंगे और इसको मसालों के साथ हम अच्छी तरह के पकाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, आपने इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है ताकि मसाले जो हमारे कटहल में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसे लेड लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देना है ताकि जो हमारे कटहल हैं वो अच्छे से पक जाएं। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से इस सब्ज़ी को बनाते हैं तो मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि आप मटन और चिकन खाना भूल जाएंगे।
इतनी स्वादिष्ट सब्जी होती है कटहल की। तो ये देखिए हमको इसे पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं और मसाले भी देखिए हमारे मसाले ने भी तेल छोड़ दिया है। ये देखिए हमारी सब्जी बन चुकी है। तो यहाँ पर हम धनिया डाल देंगे ऊपर से। धनिया डालने में कंजूसी ना करें, खूब धनिया डालें इसमें और उसके बाद एक बार इसे मिक्स कर लेंगे हम। तो तैयार है हमारी चटपटी मसालेदार कटहल की सब्जी। तो आइए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसे घर में एक बार ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। तो कैसी लगी रेसिपी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।